वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है यह है बजाज कंपनी का पल्सर 220 सीसी वाला बाइक है और इस बाइक का हम लोग करेंगे क्या, इस बाइक में हम लोग सीजर गियर चेंज करेंगे और टाइमिंग चेंज बदलेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या खोले और जिसमें कि हम लोगों का काम बन जाए, इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो गाड़ी है मैंने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद हमने देखा इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा ख़राब था और कितना किलोमीटर चला है मैं आपको बताता हूँ। बैटरी का तार खुल लिया है और ठीक है, तो अभी आप लोगों को दिखा नहीं पाया कितना किलोमीटर चला है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग चेन और सीजर गियर अगर हम लोग काम करें तो हम लोग का हेड का कैप ओपन करना पड़ेगा। तो हेड का कैप ओपन करने से लिए हम लोग को चारों के चारों स्टैक जो होता है बहुत ही टाइट होता है, जब सील इंजन हम लोगों के पास आता है ना तो इंजन हम लोगों को डाउन करना पड़ता है, बट एक बार हम लोग ट्राई करेंगे। तो मैंने दो स्टैक खोल लिया है और दो स्टैक अभी खोला नहीं है, आप लोगों को वीडियो के जरिए से दिखाएंगे तो स्टैक को आप लोग कैसे खोले। तो फ्रेंड्स यहाँ साइलेंसर के अंदर एक नाट जो दिया गया है, पतला वाला नाट आप लोगों को लगाना है कहाँ पर, स्टैक के अंदर इसी जगह पर, देखिए इसी जगह पे आप लोगों को थोड़ा लगाना है। और एक आप लोगों को और भी नाट लेना है और ये जो नाट है इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए इस नाट को टाइट करेंगे और स्टैक खोलने का आप लोगों को तरीका बताएंगे कैसे आप लोग यानी कि स्टैक ओपन करें। बस नाट टाइट हो गया है, अब ऊपर का नाट को जो है हम लोग को उल्टा टाइट देना पड़ेगा ताकि नाट को जाम करना पड़ेगा और नाट जो है आसानी से हम लोग को खुल जाएगा। देखो गाइस चलिए इसको ओपन हो गया है और एक नंबर और भी है, तो चलो इसको कैसे खोलें मैं आपको बताता हूँ। रखने के बाद इस नाट को अभी हम लोग ढीला करेंगे, यानी कि ढीला हो चुकी है, अब दूसरा स्टैक पर ये लगाएंगे नाट। नाट दूसरा भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ जो है पतला नाट ज़रूरत होता है, ठीक है। पतला नाट इसीलिए ज़रूरत होता है क्योंकि इसका प्याज जो है थ्रेड हम लोगों को कम लगेगा और दोनों नाट को जाम करना पड़ेगा। टाइट हो गया, अब इस नाट को इसी तरह से ले जाएंगे। चलिए बस चार स्टैक हम लोगों का ओपन हो चुकी है, तो यानी कि सारे के सारे स्टैक हमारा खुल गया है। अब इंजन हम लोगों को डाउन करने का आवश्यकता है नहीं, अगर आप लोगों का नहीं खुल रहा है तो आप लोगों को इंजन ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ढक्कन निकालने से पहले, ढक्कन नहीं आएगा स्टैक नहीं निकालने से। तो चलो बाकी का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्लग की जो बाटी है इसको हम लोग यानी कि निकालेंगे। तो कैसे, मैंने इसको फाइल यहाँ भरा है और थोड़ा टाइट और ढीला करेंगे। देखो ढीला किया, काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं ज़बरदस्ती कर लेते हैं और ज़बरदस्ती करने के बाद ये टूट जाता है और बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हल्का हल्का करके इसको यहाँ घुमा रहा हूँ, है ना, ऑयल देने के बाद। अभी हम लोग घुमाएंगे, खींचेंगे नहीं, ताकि हमारा जो बूश है वो चारों तरफ लुब्रिकेट हो जाए और आसानी से चले आए। अब हम लोग खींचेंगे, देखो गाइस आसानी से हम लोग का आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी सावधानी से काम करिए ताकि कोई पार्ट्स पर नुकसान ना आए और आसानी से काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे भाई तोड़ देते हैं, लेद में जाके झलाई करते हैं, तो करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस तरह से आप लोगों को फाइल का ज़रूरत होता है और एक बारी लगा के घुमा देना, अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैंने क्या किया, हेड और क्लच चैम्बर खोला और सारे के सारे पार्ट्स को मैंने वॉश किया ताकि अभी हम लोग क्या करेंगे, इंजन को फिट करेंगे। बजाज पल्सर 220 सीसी जो इंजन है इसमें अगर हम लोग हाउसिंग फिटिंग कर दें तो इंजन में हम लोगों का वाइब्रेशन करेगा, तो काफ़ी टाइमिंग दिया गया है, वो सब टाइमिंग अगर हम लोग गौर ना करें तो इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। तो कंपनी रिक्वायरमेंट जो हम लोग का टाइमिंग रहता है वही आप लोगों को बताऊंगा। और सीजर गियर भी हमने लाया है, ये हम लोग का सीजर गियर है, टाइमिंग चेन है, ये सब कैसे हम लोग फिटिंग करें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेड फिटिंग करेंगे, सीजर गियर बाद में फिटिंग करें। तो चलो हेड फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, सीजार गियर की पाक जो है हम लोग एकदम कंपनी जो रिकमेंड बोल रहा है उसी हिसाब से हम लोग फिटिंग करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में जो फिटिंग था थोड़ा गलती था। और नया सीजार गियर अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाक दे देंगे तो इंजन का साउंड जो है सही सही करेगा और साउंड सही नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको तरीका बताते हैं, ये आप लोगों का टूल्स ज़रूरत होता है और इस तरह से आप लोग इसको लगाइए, ऐसे भरने के बाद डायरेक्ट मत भरिएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, इस हिसाब से लेकर एक दो घाट पे आप लोगों को रखना है, तीन घाट पे नहीं। तीन घाट में रखने से आप लोगों का क्या होगा, साउंड जो है क्रिएट होने लगेगा और उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको भी हम लोग दो घाट पे रखेंगे, देखिए एक दो, दो घाट में रखा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुराना सीजर गियर हो जाता है तो उसे तीन घाट में रख सकते हैं, बट रखना सही नहीं होगा। अब यहाँ मार्किंग दिखाओ, JBD पिनियम में एक मार्किंग है और इंजन में एक हम लोग का पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने से हम लोग का पिस्टन टॉप में आ जाएगा। और यहाँ ऑटोमेटिक हमने टाइमिंग जो चेन फिटिंग किया इसका लेफ्ट राइट हम लोग को सही रखना है और टीप ऊपर रखना है, ताकि हम लोग का ये जो इंजन जब हम लोग का घूमे यानी कि सक्शन बने तो काम बनेगा। इंजन में होता हम लोग का चार स्ट्रोक, यानी कि फोर स्ट्रोक का मतलब क्या है पहले आप लोग को वो बता देता हूँ। इंजन जब नीचे जाएगा पिस्टन तो हम लोग का होगा सक्शन स्ट्रोक, और उसी दौरान जब पल्टी मार के ऊपर जाएगा तो उस वक्त हो जाएगा कंप्रेसर स्ट्रोक, और जब ऊपर जाने के बाद बाइक जब करंट चालू होगा तो उसी दौरान हो जाएगा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक होने के बाद गाड़ी जब स्टार्ट हो जाएगा तो एग्जस्ट स्ट्रोक होकर हम लोग का साइलेंसर से निकल जाएगा, तो उसी वक्त होता है एग्जस्ट स्ट्रोक। तो यानी कि चार स्ट्रोक जो होता है हम लोग का इंजन में हम लोग का दिया गया है और इसी से हम लोग का काम बनता है। एक भी स्ट्रोक अगर हम लोग का ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं लेगा। इसके ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ जो हम लोग का बैलेंसर है, बैलेंसर को हम लोगों को इस नीचे पॉइंट में देना है। यह दो पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट नीचे वाला पॉइंट में आपको देना है और सीजर गियर को फिटिंग करना है। एक वाशर लगेगा, वाशर यहाँ डाल दीजिएगा और इसको थोड़ा ऐसे करके और यहाँ आपको फिटिंग करना पड़ेगा। बस बस ज़्यादा ज़ोर से नहीं, अभी हम लोग सारे के सारे नहीं भरेंगे। अब हमारा काम है हाउजिंग को सीडिंग करना, क्योंकि मैंने दो जगह पर टाइमिंग एडजस्ट कर दिया है और यहाँ भी टाइमिंग एडजस्ट कर दिया है। अब हम लोग आसानी से हाउजिंग को फिट कर सकते हैं। अब हाउजिंग हम लोग ऐसी ज़बरदस्ती नहीं भर सकते, इसके लिए हम लोग को थोड़ा ऐसे करके हम लोग को शेडिंग करना पड़ेगा। फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है। यहाँ ऑयल पम्प जो है, ऑयल पम्प को थोड़ा हम लोगों को मूव करना पड़ेगा। अब थोड़ा गया, अब थोड़ा इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बस ऑटोमेटिक चल जाएगा। बस अब हम लोग का टाइमिंग जो है परफेक्ट है, मैं आपको एक बार और भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ये टाइमिंग यहाँ और ये टाइमिंग यहाँ, और क्लच हाउजिंग जो है हमने फिटिंग कर दिया है। अब गाड़ी जो है ना वाइब्रेशन करेगा, ना साउंड क्रिएट ज़्यादा होगा, और इसी तरह से टाइमिंग फिटिंग कर लेते हैं। तो चलो बाकी का प्रोसेस करते हैं। क्लच अभी हम लोग का काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे, इस तरह से आप लोगों को बारी मारना पड़ेगा। अब यहाँ खाप में ऑटोमेटिक बैठ गया है। तो फ्रेंड्स, हेड क्लच चैम्बर ये सब फिटिंग कर लिया हूँ। अभी आप लोगों को क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट करके वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स, पूरा इंजन मैंने फिटिंग कर लिया है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक को स्टार्ट करके जो बाइक का साउंड क्वालिटी कैसा आया है।
एकदम आरपीएम जो है 1100 के आसपास में। साउंड बढ़िया आया है, कहीं से साउंड क्लियर नहीं हो रहा है और बहुत बेहतर है। थोड़ा सामने यहाँ थोड़ा आवाज़ आ रहा है, वो भी बाद में खोलेंगे। आज बस इतना सा, जो पूरे गाड़ी को मैंने सर्विसिंग किया और इसमें इंजन ऑयल डाला बजाज कंपनियों का, जो DTS आए हैं 1200 ml इंजन ऑयल, 2050 इसका ग्रेड है, और अभी गाड़ी कस्टमर को दे देंगे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं।